अभी हम एक बैंक के बाहर खड़े हैं और लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें, और ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ 500 रुपये, जो गवर्नमेंट ने 500 रुपये दिए हैं, उन 500 रुपये को निकालने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन यहाँ से भी उनको निराशा हाथ लग रही है। बोलते हैं कि मैसेज आया है, लेकिन मैसेज आने के बाद भी पैसे नहीं निकाल पाए। बहन जी, आप ये बताइए, आप कब से यहाँ पे खड़ी हुई हैं? मैं आई थी करीब 10 बजे से खड़ी हूँ। 10 बजे से खड़ी है, और अभी करीबन 12 बजने वाले हैं जी। आपके आपके अकाउंट में कितना पैसा है अभी? तो 85, पहले आई थी तो 99 रुपये बताए थे, लेकिन अब 85 बता रहे हैं बस, और मैसेज आया 500 रुपये का। 500 रुपये मतलब मात्र आपके जो अकाउंट में कुल 85 रुपये? 85 रुपये टोटल। क्या काम करते हैं आपके शोहर? मजदूरी करते हैं, और अब तो खैर वो भी नहीं है, घर में पड़े हैं। तो आपके अकाउंट में बस वही जो पैसा था, बस इस उम्मीद से आप आए थे कि 500 रुपये जो गवर्नमेंट ने दिए हैं वो आपको मिल जाएंगे? जी हाँ, क्योंकि पास पल्ले कुछ नहीं है, तो इसलिए परेशान ज़्यादा है, इसलिए आए थे। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? 2 बच्चे हैं और हम अभी भी हैं, और मेरे ससुर जी मेरे साथ रहते हैं इस टाइम। कितनी परेशानी आपको हो रही है? परेशानी तो बहुत ही है, क्या बताएं, कर्जा भी है, फिर हमारा मकान भी वैसी है, किस्तों पे अब हमारा तो है नहीं अपना। अभी कितना पैसा है अभी नगद? अभी 1 रुपया भी नहीं है। 1 रुपया भी नहीं है? मेरे पास इतने भी नहीं, मैं तो खुद किराए से जाती हूँ, लेकिन पैसे ही नहीं तो पैदल जाना पड़ेगा इतनी दूर से आई। कहाँ से आए हो आप? ये लोनी अंदर से आए। मतलब 1-2 किलोमीटर पैदल जाओगे? जी। अच्छा, ऐसा भी हुआ है इन दिनों में कि आपको आपके परिवार को भूखा सोना पड़ा? जी हाँ, हो गया तो 2 दिन बीच में हो गया था मजबूरी में, और अब तो हमारे गैस भी नहीं है, तो इस मारे कभी चूल्हा जला लिया तो फिर में तो भूखे रहना पड़ता। अब भी मैं आई हूँ तो मेरे बच्चों ने कुछ खाया नहीं है। कुछ नहीं खाया आपके बच्चों? नहीं, मैं यहाँ हूँ, मेरे बच्चों ने क्या खाया होगा, बच्चे भी छोटे छोटे हैं मेरे। जब बच्चे दूध मांगते हैं तो कहाँ से दूध का इंतजाम करते हैं आप? कहाँ से करते हैं दूध का इंतजाम, है ही नहीं, वही जो घर में होता थोड़ा बहुत वही खिला देते हैं, बच्चे रोते हैं तो फिर। छोटा है तो 2.5 साल का ही है। ऐसे हालातों में अब आप क्या करेंगे? अभी आपके पास बिल्कुल भी मुझे लगता है पैसा नहीं है। क्या करेंगे, जैसे किस्मत हो रही है। तो खाना वगैरह कौन दे के जाता है, कहाँ से राशन का कैसे इंतजाम होता है? वहीं पर कभी कोई पका हुआ दे जाता, कभी कोई दे जाता है, थोड़ा बहुत क्या करें। चलो, आप मुझे बुक दीजिए अपनी, मैं मैनेजर से बात करता हूँ, ठीक है? अब यहीं खड़ी रही, मैं अंदर जाके बात करता हूँ। अभी हमने इस बहन से इसकी पासबुक तो ले ली है, लेकिन वाकई में इनके पास में कुछ भी नहीं है, कुल 85 रुपीज़ हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं इस बहन की एक छोटी सी मदद करूँ, और इसे एहसास ना हो कि कोई बंदा आके इनकी मदद करके गया। अब अभी हम बैंक के अंदर जाएंगे, और हमसे जो भी होगा, थोड़ा बहुत जो भी हमसे हो सकता है, हम इनके इस पासबुक में रखेंगे, और उनको बोलेंगे कि आपके पास में जो पैसे हैं वो निकल गए हैं। अभी हमने कुछ इनको जितना हम कर सकते थे हमने किया है, अभी 1000 दिया है, और इंशाल्लाह उसके बाद भी हम कोशिश करेंगे कि इनको मदद करें। मैंने अकाउंट नंबर ले लिया इनका, और मैं फिर इनसे बात करूंगा और इनको बताऊंगा कि इधर आ गए। अभी हम मैनेजर के पास गए थे ना, तो उन्होंने कहा कि आपके अकाउंट में पैसे हैं, और आपके अकाउंट में कितने पैसे बताए थे? 85 बताए थे बस। 85 नहीं, आपके अकाउंट में 1000 रुपये थे, ये 1000 रुपये हम इसमें हैं, तो आप है ना 1000 रुपये ले सकते हैं, वो निकल गया आपके पास, ठीक है? शुक्रिया। नहीं नहीं, शुक्रिया नहीं, अब जाओ आप अपने बच्चों के लिए राशन वगैरह कुछ। शुक्रिया, पानी पिला रहे थे। हाँ, पानी मैं आपको पिलाता हूँ। वो बोल रहे थे कि गलती से है ना, वो देख नहीं पाए थे आपका मैसेज वगैरह, अभी उन्होंने मैसेज किया तो वो आपके पैसे थे इसमें, आप निकल गए, ठीक है? मैं, क्या नाम है आपका? आप मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं। आप बहुत मेरा तो क्या, आप क्या काम करते हैं? मैं कढ़ाई का काम करता हूँ, अभी तो फिलहाल बेकार हूँ। घर की स्थिति क्या है इस टाइम? बड़ी दिक्कत में है, ना सिलेंडर है ना कुछ है, बस जैसे कर रहे हैं हम ही आते रो क्यों रहे हैं? दिल तो रोएगा ही सर, जिस मोड़ पे बिठा दिया, अब क्या कर सकते हैं, मजदूर आदमी कैसे कैसे हम कर रहे हैं। हमारा बजट था कि क्या नाम है 14 तारीख तक का, हमने अपने वो कर लेंगे, किसी से पैसे दलवाए थे तो वो मिल नहीं रहे हैं, अब ये नहीं पता उनने डाले हैं नहीं डाले हैं, क्या है क्या नहीं, गए मतलब कि यहाँ खड़े होकर के तपस्या कर। आप कब से आए थे? आप सुबह 8 बजे का आए।
सुबह 8 के आप 12 बज गए जी। तो घर में कितना पैसा आप ये बताइए? घर में नहीं, सिर्फ मेरे पास ही 200 रुपए ही हैं। तो इन 200 से आप क्या क्या करेंगे? अब अल्लाह मालिक है, जैसे अल्लाह करवाएगा वैसे करेंगे। चलो हम कुछ कोशिश करते हैं ना, हिलाओ अपने ये दिखाओ। घबरा नहीं है कबीर? इंशाल्लाह ठीक है, अल्लाह भला करेगा। क्योंकि हर मुसीबत, क्योंकि वक्त है ना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी बढ़ता भी है कभी घटता भी है, तो सब तरह का वक्त आता है और इंसान वही टिकता है जो हमेशा ऐसे वक्त में टिका रहे, ठीक है ना। जब हम खुशहाल थे तब भी अल्लाह का शुक्र अदा किया, आज हमारे पास नहीं है आज हम भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो हमेशा कभी घबराना नहीं है इंशाल्लाह। कि नमाज पढ़ता हूँ समझे, लेकिन आपके हक में बहुत ज़्यादा दुआ करता हूँ इंशाल्लाह। चलो सब ठीक होगा। बस हमने कोशिश की है कि हम अंदर गए, अंदर जाने के बाद में हमने अपने पास से उनको कुछ पैसा दिया, और सिर्फ इसलिए कि उसको एहसास भी ना हो कि हमने उनकी मदद की। ये मदद आप भी कर सकते हैं, मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि आप छुपा के भी मदद कीजिए, आप दिखा के भी मदद कीजिए, इस जिस तरीके से भी आप मदद कर सकते हैं उस तरीके से आप मदद कीजिए। आप रात के अंधेरे में लोगों के घर में जाकर राशन डलवा सकते हैं, रात के अंधेरे में जाकर लोगों के घर के दरवाज़ों के नीचे से एक लिफाफा डाल सकते हैं, इस तरह के हेल्प आप भी कर सकते हैं। बहुत छोटी सी हेल्प है, लेकिन इस वक्त इस बहन को इस हेल्प की बहुत ज़रूरत थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर हमारी पोस्ट आप हमारी वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।